हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धुमन सिंह किरमच ने गांव कुनाल में हड़प्पा कालीन स्थल का दौरा कर वहां की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गांव कुनाल ने भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के माध्यम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सबसे पहले साल 1985 में खुदाई का काम शुरू किया गया था। धुमन सिंह किरमच ने कहा कि सरस्वती सिंधु घाटी यहां से गुजरती थी जिसके ऊपर हड़प्पा कालीन गांव बसा हुआ था। देखिए आज हमने यहाँ कुनाल में ये हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट है, कुनाल बहुत प्राचीन साइट है, यानी कि अगर मैं बात करूं सरस्वती यहाँ से बहती रही थी तो इसका परिणाम जो है इससे बड़ा और नहीं हो सकता प्रमाण कि ये जितनी भी साइट्स आर्कियोलॉजी साइट्स हरियाणा में है, सही मायने में हरियाणा में इससे बड़ी साइट्स कोई, मुझे लगता है कि हड़प्पा से भी पुरानी साइट कुनाल है। इसके बाद बैराना हम अभी जा रहे हैं, बनावली है, राखीगढ़ी है, ये सारी की सारी हरियाणा में जितनी साइट्स हैं ये सरस्वती के किनारे पर ही पनपी हुई एक संस्कृति थी, क्योंकि सरस्वती लोग वहीं रहते थे जहाँ पानी होता था, सरस्वती के किनारे पानी था, या सिंधु घाटी जिसको हम बोलते हैं वो सही मायने में सरस्वती सिंधु घाटी थी। तो उसको लेकर हम पूरा एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उसके माध्यम से हम जितनी भी इस तरह की हमारी हेरिटेज है हम उसको बाहर निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो हरियाणा की वाकई में सबसे रिच हेरिटेज, जहाँ से हमारे संस्कार चले, हमारे संस्कार की उत्पत्ति हुई, वो सरस्वती की यही साइट्स हैं, यहाँ से हमारा प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। हरियाणा के लिए इससे सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि सरस्वती यहाँ से बहती थी और ये सारी साइट्स जो हैं, कुनाल है, बैराना है, बनावली है, राखीगढ़ी है, ये सारी इसका प्रमाण है। और राखीगढ़ी से अगर हम निकल जाएंगे तो पाकिस्तान में आगे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, वो पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद लोथल गुजरात में है, अपना हमारा जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी घोषित हुई है गुजरात में, वो हमारी यहाँ पर सरस्वती के किनारे पर मौजूद है। यानी कि जितनी भी साइट्स हैं ये सारी की सारी सरस्वती की प्रचुर मात्रा में यहाँ पानी था, इसलिए यहाँ पर यह संस्कृति थी। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि बहुत सुंदर म्यूजियम बना रहे हैं, उसका PWD को पैसा चला गया है, अब जल्द ही उस पर काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि साइन बोर्ड दोनों तरफ लगाए जाएंगे ताकि लोगों को आसानी से यहाँ तक पहुँचने में पता लग जाए, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी विरासत है। अब पिछली बार डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य जी मेरे साथ हैं, इन्होंने खुदाई यहाँ पर की थी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हरियाणा से, और एक म्यूजियम यहाँ पर बहुत सुंदर हम बना रहे हैं, उसका PWD को पैसा चला गया है, अभी जल्द ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। आज एक और मैंने सबसे निर्देश भी दिया है कि जितने बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं, क्योंकि साइन बोर्ड जब तक पूरे सड़क पर नहीं होंगे, थोड़ा इतना अच्छा एक डिस्प्ले का मैटर बनाने के लिए, तो दोनों तरफ हम बड़े बड़े बोर्ड भी लगा रहे हैं। मैं DC को भी लिखूंगा और हमारा डिपार्टमेंट भी इसमें कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द बड़े बड़े अच्छे सुंदर बोर्ड लग जाएं, ताकि लोगों को आसानी से यहाँ तक पहुँचने में पता लग जाए। ये हमारे लिए इतनी रिच हेरिटेज है, हमारी ये विरासत है, हम लोगों को दिखाएं कि हमारा इतनी बड़ी विरासत यहाँ पर मौजूद है। बता दें कि धुमन सिंह किरमच के मुताबिक अगले दौर की खुदाई नवंबर माह में शुरू कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री का निरंतर प्रयास है कि जितने साइट हैं वो सबके सामने आनी चाहिए, जितने इस तरह की संस्कृति है उसे उजागर करना चाहिए, इसके प्राचीन चरणों पर भविष्य में अनुसंधान के नए दौर खुलेंगे। कुनाल एक हड़प्पा कालीन स्थल है, इसलिए अब पूर्व हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक चीजों की तलाश रहेगी, जिससे उस काल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। रतिया से अशोक ग्रोवर, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।